और बात आरजेडी के प्रशिक्षण शिविर की, तो प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन पार्टी सुप्रीमो लालू यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। लालू यादव ने कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए कहा कि घर में बैठने से नहीं काम चलेगा, सबको जनता के बीच जाना होगा। बीच में जाना है, झंडा लेके जाना है, लोग समझे भाई ये तो आगे लोग राष्ट्रीय जनता दल वाला लोग आ गया। कोई भी घटना कहीं होती है गांव और देहात में अन्याय जुलूम, वहां पार्टी के लोगों को झंडा लेकर के वहां पहुंचना चाहिए स्पॉट पर। जो सताए जाते हैं उनके पक्ष में खड़ा होना चाहिए सब लोगों, ये रखिएगा ध्यान में। और इस वक्त हम सीधे चलेंगे न्यूज रूम, हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर दीपक प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। जी दीपक, जिस तरीके से लालू यादव वर्चुअल तरीके से आज जुड़े थे प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन और कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की उन्होंने, और आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं कितना फायदा लग रहा है ये प्रशिक्षण शिविर के बाद और सुप्रीमो के इस बयान के बाद उनको मिलेगा? देखिए आरजेडी का जो प्रशिक्षण शिविर है और जिसमें जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, जो जिला के महासचिव हैं, प्रखंड के अध्यक्ष हैं, उन तमाम लोगों की दो दिनों से उनका प्रशिक्षण चल रहा था और तमाम आरजेडी के नेता उसमें मौजूद रहे, तेजस्वी यादव भी थे। और आज वो प्रशिक्षण शिविर के आखिरी सेशन में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव वर्चुअल तरीके से जुड़े और उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने एक जोश भरने की कोशिश की तमाम जितने भी नेता और वहाँ पे वर्कर वहाँ पे मौजूद थे कि आप लोग सड़कों पे उतरिए, गांव में जाइए। तेजस्वी यादव को उन्होंने टास्क दिया कि जेल भरिए, यानी जेल जाने का एक पूरा एक आंदोलन खड़ा करने का, सरकार की नीतियों के खिलाफ, सरकार के कामकाज के खिलाफ सड़क पे उतरने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरों में बैठने से नहीं होगा, सड़कों पे उतरना होगा और इसके लिए एक प्रॉपर तरीके से एक मुहिम, एक डिसिप्लिन के साथ काम करना होगा। देखिए आरजेडी पिछले कुछ समय से लगातार जो है वो एक सरकार बनाने का एक अपने आप को उसने टास्क दे रखा है और इसी के तहत ये प्रशिक्षण शिविर हुआ है और इससे पहले भी हुआ था, ये सेकंड फेज है प्रशिक्षण शिविर का। तो अब जाहिर सी बात है कि एक लालू यादव के आज संबोधन के बाद, जो कि एक सर्वमान्य नेता है, बड़े नेता है, और काफी दिनों के बाद लालू प्रसाद यादव और तमाम जितने भी आरजेडी के जो बड़े नेता हैं, जो जिला के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके साथ सीधे तौर पर जुड़े थे। वो फिजिकली भले ही पटना में ना हो लेकिन वो वर्चुअली जुड़े और एक जोश भरने की कोशिश की है कि ताकि जो भी जितने भी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे पार्टी को स्ट्रेंथन करें। कल भी तेजस्वी यादव ने जब अपने संबोधन में कहा था, उन्होंने कहा था कि बूथ लेवल पे, पंचायत लेवल पे अब पार्टी को स्ट्रेंथन करना होगा ताकि अगर सरकार बनानी है तो हर सीट पर मजबूत होना होगा, हर सीट को जीतने की कोशिश करनी होगी, तभी हम सरकार में वापस लौट सकते हैं। इसलिए आरजेडी ये पूरी कोशिश कर रही है कि ग्राउंड लेवल पे अब पार्टी को ले जाया जाए और ग्राउंड लेवल पे स्ट्रेंथन किए बगैर जो पार्टी को उस लेवल पे नहीं लाया जा सकता जिसकी कल्पना की जा रही है। लालू यादव ने यह कहा कि तेजस्वी यादव ने पार्टी को उतनी सीटें जितवाई हैं, एक लार्जेस्ट पार्टी के रूप में आरजेडी जो है वो उभर के सामने आई, सरकार नहीं बन पाई, उसके कई और रीजन है। तो ये तमाम एक जोश भरने की कोशिश जो है वो लालू प्रसाद यादव ने आज वो जो प्रशिक्षण शिविर है उसमें की है। जी चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक प्रियदर्शी न्यूज रूम से इस वक्त हमारे